अलीराजपुर झाबुआ में आदिवासी समाज के इतिहास को लेकर फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। फिल्म के निर्माता रमेश बघेल भील सेना के अध्यक्ष संजीव चौहान एवं एसोसिएट प्रोड्यूसर अशरफ बेग मुंबई से अलीराजपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। देखिए, फिल्म का कैसा है कि आज अगर हमको कोई भी बात दुनिया तक पहुंचानी है, सब और लोग उसको इंटरेस्ट के साथ देखें, तो बेस्ट तरीका है कि फिल्म सबसे बढ़िया मीडियम है, कि उसमें एंटरटेनमेंट भी है, फिर आप अपनी बात भी कह सकते हैं। और अभी हो क्या रहा है कि कोई भी समाज है, जैसे इनकी ही बात करें, इन समाज की, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, इनका इतिहास है, इनके लोगों को ही नहीं मालूम है तो दुनिया को कहाँ से मालूम होगा। अभी जैसे बात ही बातों बातों पता चला यार, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका ये हिस्ट्री तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जो हम फिल्म देखते हैं उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। बट ये बोले कि अरे हमारे समाज को ही नहीं पता है कि हमारा समाज कहाँ से पैदा हुआ, कैसे निकला, तो बोले उसके लिए फिल्म से बढ़िया मीडियम कोई और हो ही नहीं सकता। वो फिर हम लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि नहीं यार, इस तरह से कुछ इनकी जो हिस्ट्री है उसको निकाल के और उसके ऊपर हम लोग फिल्म बनाए। अब कोई भी समाज है, अगर वो समाज अपनी हिस्ट्री को नहीं जानता है, अपना इतिहास नहीं मालूम है, तो वो क्या होता है कि आगे उसके अपनी जड़ों से, अपने रीति रिवाज से जुड़ा नहीं रहता। और उनको जोड़ने के लिए, भाई उनको बताने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा इतिहास क्या, तो फिल्म जो है बहुत बढ़िया मीडियम है। और फिर उसके मीडियम से ठीक है आपका समाज तो जानेगा, लेकिन दुनिया भी जानेगी ना, अभी आपके साथ क्या क्या हुआ है हिस्ट्री में, क्या अच्छा बुरा जो भी है, अब आपका समाज नहीं जान रहा, लोग नहीं जान रहे हैं, आप दुनिया के साथ से अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो बेस्ट एक तरीका है कि नहीं आप फिल्म के थ्रू आप कह सकते हैं, ताकि दुनिया को भी मालूम चले कि ये भील समाज कहाँ से पैदा हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका समाज में योगदान है। जैसे बहुत सारे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं, बिरसा मुंडा है और भी कई हैं भील समाज के, लेकिन नॉर्मल जो लोग हैं दुनिया नहीं जानती इनके बारे में, तो उसके लिए हम को कुछ करना चाहिए। तो अभी इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि मेरे समाज की बात मैं दुनिया तक लेके आऊँगा और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता हूँ कि भाई ये फिल्म हम बनाएं। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे सब हम दो तीन दिन से घूम रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लोकेशन वगैरह देख रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर हम लोग देख रहे हैं क्या इनकी कहानी है। सर, आपकी फिल्म का कौन से एरिया से चालू होगी? फिल्म जो भी जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, जहाँ से ये लोग शुरू हुए, वहाँ से। और अभी एक्चुअल में अभी लोकेशन हम लोग देख रहे हैं, हम फाइनल भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और जब शुरू होगी फिल्म तो जहाँ से जो जड़, जो मेन इनका उत्पत्ति है, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। कब तक शुरू हो जाएंगे सर फिल्म? ये देखिए, अभी अगर हम लोग इसको प्लानिंग में, क्योंकि ये हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, पीरियड ड्रामा है, तो इसमें क्या रिसर्च का बहुत काम है। ये ऐसा नहीं है कि हमने एक राइटर को कहानी बताई, उसने कहानी लिखी, अब वो लोग, हम लोग जो भी क्रिएटिव टीम है, राइटर है, वो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, क्या उस टाइम कॉस्ट्यूम पहना जाता था, किस तरह के हथियार यूज होते थे, क्या खाना पीना था, लोकेशंस कैसी थी, घर कैसे थे, वो सब पूरा रिसर्च वर्क होगा। मिनिमम 3-4 महीना उसमें जाएगा, 3-4 महीने के बाद बारिश शुरू हो जाएगी, आपका अगस्त सितंबर तक बारिश। फिर बॉम्बे में क्या है कि गणपति से पहले दूसरा कुछ नया शुरू नहीं करते, फिल्म के तो रेगुलर चल रहा वो लोग करते हैं, लेकिन नया कुछ है वो गणपति के बाद शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर, मतलब। तो हमारे पास जो शूटिंग करने का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने बेस्ट है। अगर हम अक्टूबर नवंबर में नहीं होगा तो फिर ये मार्च में होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी ठंड बहुत, तो ठंड में क्या है आपको शूटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता, दिन में 4 घंटे आप शूट कर सकते हो, ट्रैवल धुंध है, ट्रैवलिंग नहीं हो पाती है, तो हम आपको चलो कि अक्टूबर नवंबर में हम लोग, तो नवंबर दिसंबर हमको करना ही पड़ेगा। क्या नाम सर आपका? हाँ, क्या नाम है आपका सर? मेरा संजीव चौहान। कहाँ से? मैं बॉम्बे से।